फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शगुन एंड वरुण। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कोरोना वायरस से बचने की टिप्स और इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टर ड्रिंक की रेसिपी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा हमारे वीडियो को। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में COVID-19 नामक वायरस फैला हुआ है और ना कि उसकी कोई भी दवा निकला है, ना ही कोई भी इलाज निकला है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं और इस बीमारी से सुरक्षित रहें। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कोरोना से बचने की कुछ इजी और सिंपल टिप्स, जिसको आप घर में मौजूद सामान से बहुत इजीली कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताना चाहती हूँ, इम्यूनिटी बूस्ट अप ड्रिंक की रेसिपी। तो गाइस, गाढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च। और आगे देखते जाइए और सीखते जाइए। एक पतीले में साफ पानी डालें। एक ग्लास काढ़ा बनाने के लिए आपको 2 ग्लास पानी डालना है। फिर उसमें डालें तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते नेचुरल इम्यून सिस्टम बूस्टिंग एंजाइम्स रिलीज करते हैं और सारे टाइप के इन्फेक्शन को हमारी बॉडी से दूर रखते हैं। तुलसी के पत्ते हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करते हैं। उसके बाद उसमें डालें जिंजर। जिंजर एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बीमारियों को ठीक करता है, पेन्स को ठीक करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। काली मिर्च। काली मिर्च में भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद इसे अच्छे से उबलने दें और उसे ढक दें। गैस या इंडक्शन को बंद कर दें। उसके बाद उसे उतार के ठंडा होने के लिए रख दें। उसे एक छन्नी की मदद से छान लें। फिर आप उसमें थोड़ा हनी ऐड कर दें। हनी से आपके काढ़े में थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ जाएगा और हनी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तो होता ही है। और मिलाने के बाद आप इस इम्यूनिटी ड्रिंक को एंजॉय करें और अपने आप को हेल्दी रखें। अब काढ़ा तो आपने बनाना सीख लिया, अब मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ, गौर से देखिए। टिप नंबर 1, आप जहाँ तक हो सके गर्म पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। टिप नंबर 2, अब काम आएगा हमारी दादी नानी का नुस्खा, जिसे आजकल हम गोल्डन ड्रिंक के नाम से जानते हैं। गोल्डन ड्रिंक बनाने के लिए हमें 1 ग्लास दूध, गरम दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाना है और उसे 1 से 2 बार दिन में लेना है। टिप नंबर 3, आप अपने खाने में लहसुन, अदरक, काली मिर्च आदि का ज्यादा प्रयोग करें। गाइस, कैसा लगा आप लोगों का ये वीडियो? और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।